तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस वक्त दिनी जी की ये गाड़ी खड़ी हुई है और यही घर है शिवानी दीदी दिनी जी दीदी दी के पास और थोड़ा ऊपर करके पकड़ो करो ऐसे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं शिवानी जी से मिलने के लिए। वैसे तो हमारे फरकाबाद में आई थी और हम लोगों को पता ही नहीं चल पाया तो इस वजह से हम लोग मिल नहीं पाए थे। तो आज हम लोग फिर जा रहे हैं शिवानी जी के घर पर मिलने के लिए और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं छिबरामऊ। अब छिबरामऊ से आगे चलते हैं और किस किस रास्ते से जाना है ये आगे हम आपको चल के बताते हैं। वक्त जो है हम छिबरामऊ पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों हमारे साथ जो है कोहिनूर भाई भी जा रहे हैं और रामू भाई भी जा रहे हैं। चलिए चलते हैं आपको दिखाते हैं हमारे साथ में है बने हुए। हाँ भाई रामू भाई कहाँ चलना है आज भैया? शिवानी दीदी से मिलने के लिए जा रहे हैं। फरकाबाद आए थे तो फरकाबाद में तो मिल नहीं पाए क्योंकि उस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना सीधा उनके घर ही चलकर मिलें। तो हम जा रहे हैं तारिक भाई और साथ में देखिए कोहिनूर भाई भी हैं, इनसे भी थोड़ा राय लेते हैं कैसा लग रहा है। बहुत बहुत खुश है यार। अब यहाँ से चलते हैं दिव्यापुर के लिए, तो बने रही हमारे साथ ब्लॉग में। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं इस वक्त दिव्यापुर। अब यहाँ से करीब करीब 5 किलोमीटर गांव है हरियारी, वहीं पर शिवानी जी रहती हैं। और चले बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, चलिए चलते हैं आगे आपको लेके और मिलवा। वो हैंडपम्प सामने देखिए ये मोर है। ये पोस्टर की वीडियो बना लेंगे चल के जरा, पोस्टर लगा था। तो दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं हरियारी गांव के लिए। अभी अंदर चलते हैं गांव के लिए शिवानी जी के घर की तरफ। और अभी ये हैंडपम्प पड़ा था तो हम लोग बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, सोचा था ला थोड़ा सा जो है मुंह वगैरह यहाँ से धो ले। तो दोस्तों हम इस वक्त पहुंच चुके हैं हरियारी गांव और शिवानी जी के घर के पास पहुंच चुके हैं। और ये आप देख रहे हैं ये पीछे शिवानी जी का घर है और ये उनकी गाड़ी खड़ी हुई है शिवानी दीदी की। और चलिए आगे चलते हैं और अगर वो होंगी तो आपको उनसे मिलवाते हैं, बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग। यही है हरियारी गाँव और ये शिवानी जी की ये गाड़ी खड़ी हुई है और यही घर है शिवानी दीदी का। या ऊपर आप देख रहे हैं ये होर्डिंग, शिवानी दीदी की होर्डिंग लगी हुई है। ये गाड़ी है शिवानी जी की। ये शिवानी जी की गाड़ी है और ये शिवानी जी का घर है ये, और ये शिवानी जी घर पर ये धुलाई वगैरह हो रही है। त्यौहार है ना, कल होली है। और ये आप देख रहे हैं ये होर्डिंग लगी हुई है शिवानी जी की। शिवानी जी की जो है मम्मी वगैरह है। शिवानी जी अंदर ये धुलाई कर रही हैं, कल त्योहार है होली का, इस वजह से घर की साफ सफाई चल रही है।
और ये जो है शिवानी जी की गाड़ी खड़ी हुई है, और मम्मी ये खाने की तैयारी कर रही हैं। देख तो दोस्तों, देखिए ये घर है शिवानी जी का, और शिवानी जी की बड़ी दीदी हैं ये बड़ी दीदी हैं शिवानी जी की। और घर की सफाई चल रही है क्योंकि कल होली का त्यौहार है, इस वजह से दीदी आपका नाम क्या है? सुमन, सुमन दीदी, सुमन दीदी हैं ये। शिवानी दीदी की सिस्टर को भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे शिवानी दीदी है। और अंदर चली गई, ये गांव जो हम आपको दिखा रहे हैं ये शिवानी जी का गांव है, और ये आसपास इनके घर हैं जो भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये इनके आसपास घर हैं। पूरे 4 घंटे लग गए, पूरे 4 घंटे में यहाँ पहुँचे हम शिवानी जी के घर पे। शिवानी जी अभी घर पर हैं, वैसे ही आज मुलाकात करेंगे, वैसे ही आपको एक्सप्लोर कराएंगे। तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है गाइस, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों शिवानी जी अभी अंदर घर पर हैं, जैसे ही आती हैं हमसे मिलती हैं, हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, हमारे ये रामू भाई भी इंतज़ार कर रहे हैं, और भी यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, ये भैया आए हुए हैं ये भी इंतज़ार कर रहे हैं, ये आए हुए हैं बेला से, और हम लोग आए हुए हैं फरुखाबाद से। ये भैया बेला से आए हुए हैं, पास में ही है। मैं फरुखाबाद से आया हूँ, सुबह फजर की नमाज पढ़ के चला था और अब पहुँचा हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस वक्त जो है हम लोग ठीक शिवानी जी के घर पर मौजूद हैं, और उनकी मम्मी ये बैठी हुई हैं, और शिवानी जी जो हैं अंदर साफ सफाई में लगी हुई हैं, धुलाई वगैरह कर रही, क्योंकि कल होली का त्यौहार है, इस वजह से जो है काम में लगी हुई हैं। और ये ऊपर इनका होर्डिंग लगा हुआ है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और ये बड़ी दीदी हैं शिवानी जी की, ये बड़ी दीदी हैं शिवानी जी की। हमारे एक भाई ये और आए हैं, भाई कहाँ से आए हैं आप? भाई इटावा से आया हूँ। भाई ये इटावा से आए हैं, हम फरुखाबाद से आए हैं, और ये भाई आए हैं बेला से। भाई बहुत दूर दूर से आते हैं, सभी लोग यहाँ पर आते हैं शिवानी दीदी से मिलने के लिए, काफी दूर दूर से। चैनल का सपोर्ट करो, लाइक करो। दोबारा मौका मिले फरुखाबाद जाने का तो आप जाएंगे? फाइनली दोस्तों इस टाइम हम पहुंच चुके हैं शिवानी जी दीदी के पास, और ये हमारे सामने खड़ी हुई हैं दीदी ने। हैप्पी होली दीदी, सेम टू यू। और दीदी हमारा चैनल है करिया आए रोते करिया आए नहीं थोड़ा ऊपर करका पकड़ो करो ऐसे। हाँ भैया के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो क्लियरिटी अच्छी दे करो, तब लोग देखे हैं वीडियो। ठीक है, इनकी मिट्टी का सपोर्ट करें। और दोस्तों फाइनली आपको जो है हम शिवानी दीदी से मिलवा चुके हैं, जैसा कि अभी आपने देखा था वो हमारे पास आई थी, वो बोली थी, और वो जो है हम लोगों का जाने का वक्त हो गया, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो अगर आपको ज़रा सी भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।